तो भाई लोग बॉलीवुड की तरफ से एक नई मूवी आई है जिगरा, जिसमें मेन रोल में आलिया भट्ट दिखाई दी है और यह मूवी लगभग 2.5 घंटे की है। तो चलिए अब बात करते हैं यह मूवी कैसी है। तो भाई लोग जिस तरह से इस मूवी का नाम जिगरा रखा गया है, तो क्या उस मूवी में हमें जिगरा देखने को मिलने वाला है, चलिए बात करते हैं। और अगर मैं एक लाइन में इस मूवी का रिव्यू करूँ तो इतना ही कहूँगा, यह एक बढ़िया मूवी है। और इस मूवी में आपको एक बहन का अपने भाई के प्रति एक अलग ही लेवल का प्यार देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर इमोशन भी दिखाई देता है। और इस मूवी में हमें स्टोरी देखने को मिलती है भाई और बहन की, एक बहन अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती है उसे खुशी दिलाने के लिए। और जहाँ पर हमें शुरू में देखने को मिलता है सत्या और अंकुर के पिता आत्महत्या कर लेते हैं और उनकी शुरुआत में ही मौत हो जाती है, और अब वह अकेले पड़ जाते हैं और अपने बड़े पापा के साथ रहते हैं, जहाँ पर उनका एक बड़ा बेटा भी है। और अब सत्या के भाई अंकुर का एक इंजीनियरिंग में नौकरी लग जाता है और वह अपने बड़े पापा के बेटे के साथ एक दूसरे देश में चला जाता है। और अब वे वहाँ पर दोनों एक ड्रग्स केस में पकड़े जाते हैं और वहाँ पर एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ही सख्त कानून है और उनको इसके लिए मौत की सज़ा दी जाती है। और अब सत्या अपने भाई को बचाने के लिए अपने जान की परवाह किए बिना उस देश जाती है। तो क्या अब सत्या अपने भाई को बचा पाती है और इस मूवी में आगे क्या क्या होता है, आपको यह मूवी देखने से ही पता चलेगा। तो दोस्तों यह एक वन टाइम वॉच मूवी जरूर है, लेकिन इस तरह की बहुत सारी फिल्में हमें देखने को मिल गई हैं, तो इस मूवी के लिए एक माइनस पॉइंट है, लेकिन आलिया भट्ट ने इस मूवी में बढ़िया काम किया है। और जहाँ पर इमोशंस वाले सीन है वहाँ पर तो और भी बढ़िया काम किया है आलिया भट्ट ने। और वहीं इस मूवी में जिस तरह से पुराने सॉन्ग को BGM के रूप में रखा गया वह भी काफ़ी शानदार है और इस मूवी का क्लाइमैक्स भी काफ़ी शानदार है। फर्स्ट हाफ में आपको यह मूवी थोड़ा बोर कर सकती है, लेकिन सेकेंड हाफ बढ़िया है। तो हाँ दोस्तों, यह एक वन टाइम वॉच मूवी जरूर है और यह मूवी हिट हो सकती है, लेकिन यह मूवी ब्लॉकबस्टर नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर फिल्में बन चुकी हैं। और वहीं मैं इस मूवी को 3.5 की रेटिंग दूंगा 5 में से। इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए अगला वीडियो लाने का। धन्यवाद।